أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحفظ من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اور کون کون سی جگہیں ایسی ہیں जहां पे जवाब शर्त के साथ फा लग सकता है. उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो इजा के साथ आपने पढ़ा है, यानी जब इजा आपने पढ़ा तो उस वक्त आपने देखा कि दो ऐसी जगह है जहां पे जवाब शर्त के साथ फा लगता है. एक उसमें ये है जब जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो, नंबर दो जब जवाब शर्त फ़ैल तलबीयन हो, उसमें फैले अमर फैले नहीं और इस्तेफाम भी आ गया है. ठीक है ना, तीन चीजें. फिर कल हमने पढ़ा कि इनके अलावा भी और जगह है जहां पे जवाब शर्त के साथ फा लगाना वाजिब है, यानी जरूरी है. ठीक है ना, उसमें से पहली चीज हमने पढ़ी कि जब जवाब शर्त के साथ जवाब शर्त में फैल जो है फैल जामिद हो, क्या हो, फैले जामिद हो. हाँ, बिल्कुल. और दूसरा पढ़ा था कि जब जवाब शर्त के साथ कद लगा हुआ हो, तीसरा जब जवाब शर्त के साथ मा नाफिया लगा हो, नंबर चार जब जवाब शर्त के साथ लन लगा हो, नंबर पांच जब जवाब शर्त के साथ सीन यानी हर्फ इस्तकबाल सीन लगा हो या हर्फ इस्तकबाल साउफा लगा हो, और जब जवाब शर्त के साथ का अन्नमा लगा हो. ये छह सात चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको क्या करना है, जवाब शर्त के साथ जब ये चीजें लगी हुई हो इनमें से कोई तो आप उसके साथ फा लगाएंगे. और साथ साथ ये भी आपने लास्ट लाइन जो हमने कल पढ़ी थी उसको मैं आज दोबारा यहाँ हाईलाइट करता हूँ. वो ये लाइन थी कि जब जवाब शर्त के साथ फा लगता है तो उस वक्त हम जो है फैले जवाब शर्त में जो फैल होगा उसको जज्म वाला नहीं बनाते हैं, उसको उसको उसके ऊपर जज्म नहीं लगती है, वो जज्म वाला नहीं बनता है. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है सारे सारे जुमले का एराब माना जाता है कि भाई ये फी हाला फी महल जज्म है, ये महल जज्म है. उसके लिए मैंने कुछ मिसालें भी कल आपको दिखाई थी, उनमें से हम एक दो मिसालें आज फिर से देखते हैं. जैसे यहाँ है इन तुसा फिर फस उसा फिरो फस उसा फिरो फस उसा फिरो. इसी तरह यहाँ वाइन खिफ तुम आए लतन फसाउफ युगनी कुमुल्लाह युगनी या ड्रॉप नहीं हुई. इस तरह उसा फिरो यहाँ उसा फिरो यहाँ ये फा उस फस उसा फिर नहीं रहा. इस तरह से आपने कल देखा. तो आज हम देखेंगे हमारे लिए क्वेश्चन है अदखिल अल्फा फा को दाखिल करो अला जवाब शरत पर फिर जुमल अल आतिया आने वाले जुमलों पर इजा काना जालिका वाजिबन अगर वो वाजिब हो. यानी हर जुमले में जाए ये नहीं है दाखिल नहीं करना है, सिर्फ तब दाखिल करना है जवाब शरत पर फा जब वाजिब हो. वज़कुर असबब लेकिन जब आप फा दाखिल करेंगे तो ये भी बताते जाएं कि सबब क्या है, किस वजह से आपने यहाँ फा दाखिल कर ली. आप समझ सुन रहे हैं ना? जी सर. चलिए तो यहाँ आए पहला पहला सेंटेंस है इसमें मन जद्द वजद मन जद्द वजद. यहाँ मुझे बताइए अगर यहाँ मुझे बताइए पहले अदातु शर्त अदातु शर्त क्या है यहाँ मन सर मन और फेलु शर्त क्या है जद्द जद्द, जद्द. बेशक. और जवाब शर्त क्या है वजदा वजदा तो वजदा यहाँ जवाब इसके साथ फा लग सकती है क्या लग सकती है सर क्यों लग सकती है सबब बताइए. आदा तो शर्त है ना इसमें इस्तेफाम तो उसमें फा फा तो फा इस वजह से नहीं लगती है ना कि आदा तो शर्फ हर्फ इस्तेफाम नहीं नहीं सर नहीं सर फा लगने की वजह जो हमने पढ़ी वो उसमें तो कोई वजह इसमें मौजूद नहीं है
कोई वजह मौजूद, तो इसके साथ फा नहीं लगी। ये एक प्रोवर्ब भी है, मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की उसने पाया, जिसने मेहनत की उसने पाया। आया। हाँ यानी मन जद्दा, जद्दा या जद्दू, मैंने जिसने मेहनत की, जद्दोजहद की, हाँ कोशिश की, वजदा उसने पाया। नंबर टू, मैं इसको पढ़ता हूँ ताकि आपको जरा, ये जो है एक दो मैं पढ़ूंगा ताकि आपको वाजह हो जाए। दूसरी मिसाल में है, ज़ाअ मिन्नी अल्फ़ रियालिन मीन्स 1,000 रियाल। ज़ाअ मिन्नी मीन्स आई लॉस्ट 1,000 रियाल्स। मे सर रो क्या मे सर रो अख सास रियाल हस रो मे अख सास रियाल। फमन फमन यजिद हो यजिद दाल साकिब यजिद हो वयति नी, या ती नहीं है या ड्रॉप हो गई है, वयति नी बिही। फमन यजिद हो तो जो उसको पाए, वयति नी है वयति नी बिही और उसके उसको मेरे पास लाए। लहू उश रूहू उसको उसका 10वां हिस्सा दिया जाएगा। अगर मुझे 1,000 रियाल मैंने खो दिए तो उसमें से 10वां हिस्सा कितना होगा? 100 100 रियाल। सिंपल, वेरी सिंपल है ना। यानी हथ अगर कंस मेरो मेरो 100 रुपये, अगर हस कंस तुल सो आन योर वापस, तेमिस दिम बद दहेमिस, यानी तेमिस दिम बहात रुपये, 900 रट बो पानस हाथ रुपये दिम बता सेना। ठीक है, अब इस सेंटेंस पे गौर कीजिए। फमा यजिद हो वया तीनी बिही लहू उश्रुहु, लहू उश्रु। यहां मुझे बताइए इस सेंटेंस में अदातु शर्त क्या कहां पे है? मन बेशक मन मन है ना, बहुत अच्छा। और फेलु शर्त कहाँ है? ये जिद यह जिद, बहुत अच्छा। जवाब शर्त कहाँ है? या तिनी जाति या तिनी जो है मौत, मातूफ है, मातूफ अश्रु अश्रु से अश्रु या उश्रु। उश्रु नहीं, माने पे जरा गौर कीजिए, क्या कहना चाहता है? मुझे उर्दू में बताइए या कश्मीरी में मुझे बताइए कि माने के ये क्या कहना चाहता है यहाँ। जो पाई he will be given tenth of that Who will be given? who will जो find उसको पाएगा। it यानी ही विल बी गिवन, ही है। So, he will be given, इसका अरबी क्या है यहाँ उश्र ना? ही कच्चू, ही कहाँ रहा, ही कहाँ है? वो ना 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 ना, ही कहाँ है? ही कौन सा ही यो मतलब उसका हाँ, ही लहू लहू। सो लहू से जवाब शर्त शुरू हो रहा है। लहू उश्र अश्रु, उसके लिए उसका 10वां हिस्सा है। तो चूंकि ये लहू जो है ये जुमला इस्मिया है तो इसके साथ फा लगेगी। हम कहेंगे फमन यजिद हो वयातीनी बिही फलहू उश्रु। कुरान में भी एक जगह आया है ना, क्या है, जिसने इसका ये नेकी किया फलहू अशरु अम्सालिहा। एक जगह आया है फलहू अशरु अम्सालिया, इसका 10वां इस जैसे 10 गुना उसको दिया जाएगा। यहाँ है उश्रु, फलहु उश्रुहु, फलहु उश्रु। ठीक है ना, इस पे गौर कीजिए। मन जो है, मन ये अदातु शर्त, यजिद फेलु शर्त और वाव हर्फे आतिफा, याती ये मातूफ है, इसकी यानी इसके मुताबिक ही चलेगा, ये तो मातूफ रहेगा। बिही हर्फ जर व मजरूर, इसके मुतालिक है, इस फेल के मुतालिक याती बिही। ठीक है, लहू उश्रुहु जवाब शरत है, लहू उश्रुहु उसको इसका 10वां हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, यस ये क्लियर हो गई, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। चलिए आप तीसरे सेंटेंस को जरा मैं हाईलाइट करके इसको भी मैं पढ़ूंगा ताकि आपको वाजह हो जाए, फिर आप खुद पढ़ेंगे।
तीसरा सेंटेंस महमा यकुन सबबु गियाबिका, महमा यकुन सबबु गियाबिका कद फातक दर्सुन मुहिम्मुन। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। चाहे महमा, चाहे कुछ भी हो आपका आपके एब्सेंट रहने का सबब, महमा यकुन सबबु गियाबिका, हाँ व्हाट सो एवर, महमा मीन्स व्हाट सो एवर, जो कुछ भी हो सबब गियाबिक, तुम्हारे गायब रहने का सबब, कद फातक दर्सुन मुहिम्मुन, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट लेसन मिस हो गया, यू मिस अ वेरी इम्पोर्टेंट लेसन, यू मिस अ वेरी इम्पोर्टेंट लेसन। तो इसमें अदातु शर्त कहाँ है? महमा, बिल्कुल। और फेलु शर्त कहाँ है? यकुन, बहुत अच्छा। और जवाब शर्त कहाँ है? बहुत अच्छा। सबब गियाबिका जो है ये यकुन किससे मुतालिक है ना, इसी शर्त फेल शर्त से मुतालिक है। तो कद फाता का दर्सुन मुहिमुन इसका जवाब है। जब कद आएगा जुमले की जवाब शर्त की इब्तिदा में तो उसके साथ फा लगेगी वाजिबी तौर पे, तो हम कहेंगे फकद फाता का दर्सुन मुहिमुन महमा यकुन सबब गियाबिका फकद फाता का दर्सुन मुहिमुन। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सेंटेंस को आज अपनी मैसेज बनाकर हर उस बंदे को भेज देंगे जिसको आज का लेसन मिस हो गया है ना, ये अच्छी बात है ना। यस सर। चलिए अब आइए फोर्थ पॉइंट पे। वसीम पढ़ो। ए फोर्थ पॉइंट إن تكن مشغولا الآن سأتيك غدا سأتيك غدا دو حمزه ہیں اکلا جیسے اکلا ہے نا اکل اسی طرح ہے اتا یاتی آتی سأتيك غدا إن تكن مشغولا الآن سأتيك غدا شباش। इसमें बोलिए मुझे यानी कहना चाहता है इसका इसकी मीनिंग है अगर आप इस वक्त बिजी हैं इन तकुन मशगूलन अल आना इफ यू आर बिजी नाउ साती का गदन आई विल कम टू यू टुमारो यानी तो मैं कल आऊंगा ठीक है ना। हाँ इसमें इसमें आदात शर्त कहाँ है? इन है सर। इन है, बहुत अच्छा। और जो है फेलु शर्त कहाँ है? फेलु शर्त तकुन। फेलो शर्त तकुन है सर। तकुन, बहुत अच्छा। जवाब शर्त कहाँ है? साती का गदन। बहुत अच्छा। आपने इससे पहले पढ़ा कि जब फिर जवाब शर्त पर हर्फ़ इस्तिक़बाल आ जाए यानी सीन या सौफा तो उसके साथ फा लगती है तो इसलिए क्या पढ़ेंगे? इन तकुन मशगूलन अल आन فَسَآتِيكَ غَدًا So then I will come to you tomorrow. فَسَآتِيكَ غَدًا شَبَاش। Number 5, क्या सर? انتهَ الدَّرْسُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ لِيَخْرُجَ। बहुत अच्छा। انتهَ الدَّرْسُ, दर्स खत्म हो गया, लेसन खत्म हो गया। Whoever wants to leave, leave. Let him leave. तो अब इसमें मुझे मन अदा तो शर्त है तो अरादा फ़ेल शर्त और तो लियख़रुज है जवाब शर्त। लियख़रुज है जवाब, इसमें इसके साथ फा लग जाएगी बिकॉज ये अमर है। हाँ अमर गायब है ना, इसके साथ लामुल गायब लग चुका, लामुल अमर लग चुका है। बहुत अच्छा। फल यखरुज, फल यखरुज, मन अरादा यखरुज, फल यखरुज, लेट हिम गो, सो लेट हिम गो। नंबर 6, चलो इरम आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तातिस साअतल आशिरता तजदनी फिल बायते इंशाअल्लाह।
शाबाश इन ताती असाता अल आशरता, अगर आप कितने बजे आएंगे? दस बजे। दस बजे आएंगे तजितनी फिल बाइती, तो आप मुझे पाएंगे, आप घर पे, घर पर पाएंगे हा? तो आप मुझे घर पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे घर पर ही पाएंगे। तो इसमें इन ये जो है अदातु शर्त कहाँ है सर? इन इन है। और फेल शर्त कहाँ है? ताती 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 ताती, शाबाश। और जवाब शर्त कहाँ है? तजिदनी तजिदनी तजिद, बहुत अच्छा। तो इसके साथ क्या फा लग सकती है? जी सर, तजिदनी। क्यों, कैसे लगेगी सर? यह ना कि फिर आप पाओगे मुझे ना, माने पर नहीं, माने पर नहीं, ग्रामर पर, ग्रामर पर जोर दो। माने मैं तो हम कहेंगे तो आप मुझे पाएंगे, माने तो हम कहेंगे, लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ जवाब शर्त जो है एक सिंपल फेल मुजाहरा है, सिंपल फेल मुजाहरा। जब जवाब शर्त सिंपल फेल मुजाहरा हो तो उसके साथ फा नहीं लगेगी, ठीक है ना? इसको लिख के रखो, लिख के रखो, लिख के रखो, इसको अपने नोट करो, नोट करो। जब जवाब शर्त सिंपल फेल मुजाहरा हो तो उसके साथ फा नहीं लगेगी। हाँ, अगर उसके साथ मा होती, मा नाफिया, या लन लगा होता, या सीन या सौफा, इस तरह की कोई कोई कलमा, कोई वर्ड लगा हुआ होता तो हम कहते कि इसके साथ फा लग जाएगी, लेकिन यहाँ सिंपल फेल मुजारा है तो फा नहीं लगेगी। इसको नोट करके रखो, शाबाश। इसके बाद है नंबर 7, वसीम पढ़ो। महमा तकुली लन उसद्दिक, शाबाश। मीनिंग क्या होता है? महमा तकुली, जो कुछ भी आप मुझे कहेंगे, व्हाटएवर यू टेल मी, आप जो कुछ भी मुझे कहेंगे, लन उसद्दिक का, आई विल नॉट कंसिडर यू ट्रूथफुल, आई विल नॉट टेस्टिफाई, मैं आपको जो है सच्चा नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात की तस्दीक नहीं करूंगा। इसमें मुझे बताइए अदातु शर्त कहाँ है? अदातु शर्त महमा है सर, तकुल फेल शर्त है, लन उसद्दिक का जवाब शर्त है, इसमें फा लगेगी लन की वजह से, बिकॉज क्योंकि जवाब शर्त पर लन दाखिल हुआ है इसलिए फा लगेगी। तो हम कहेंगे फलन उसद्दिक का, क्या कहेंगे? फलन उसद्दिक का, महमा तकुली फलन उसद्दिक का, उसद्दिक का। नंबर 8, आगे बढ़िए। قال المراقب للمدرس من جاء متأخرا لا تسمح له بالدخول। बहुत अच्छा। मुराकिब ने कहा मुदर्रिस से, whoever comes late don't allow him to enter the class, enter into class, ठीक। तो इसमें मन अदातु शर्त, मन अदातु शर्त, जा फेलु शर्त। बहुत अच्छा। तो अगर इसमें ला तस्बह तो इसमें फला तस्बह, ये फैल नहीं है, यानी पहले मुदारा पे ला दाखिल, पहले नहीं है तो इसमें ला लगेगा, ला तस्मा, यानी हम यहाँ जो है जब आप बात करते हैं तो आप इसको मतलब शर्त और इसके साथ से बात करते हैं, जब आप आगे इंशाल्लाह दूसरे लोगों के साथ बात करें तो आप नहीं कहेंगे ये फैल नहीं है, तो आप कहेंगे फैलम तलबियन है, ठीक है ना? फिर आप फैलम तलबियन को करेंगे थोड़ा एक्सप्लेन की फैलम तलबियन, यहाँ फैल चूंकि ये फैल नहीं है तो वो भी फैल तलबी होता है, इसलिए उसके साथ क्या फा लगेगी। तो हम कहेंगे मन जा मुतअख्खिरन फला तस्मह लहु बिद्दुखूल, फला, ठीक है ना? फला तस्मह नहीं, जब फा लगेगी तो फिर तस्मह बनेगा ना, तस्मह ना, फला तस्मह, हाँ फला तस्मह लहु बिद्दुखूल, तस्मह पढ़ा था ना, जब फा आएगी तो फिर जज़्म खत्म होती है, वही 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 तो मैं कह रहा हूँ ना, फला तस्मह लहु बिद्दुखूल, इसमें मैंने कहा पढ़ा था फला तस्मह लहु बिद्दुखूल। नंबर 9, इन
انجح بتقدير ممتاز هل احصل على جائزة شباش انجح اگر میں کامیاب ہو جاؤں اگر میں کامیاب ہو جاؤں ڈسٹنکشن سے بہت اچھا کیا مجھے انعام ملے گا بہت اچھا کیا مجھے انعام ملے گا تو شاباش اس میں یہ کہاں ہے کیا بولتے ہیں اس کو ان ہے ادوات و شرط اور انجہ ہے فعل و شرط انجہ فعل و شرط شاباش پھر اور حل احصل ہے جواب و شرط بہت اچھا حل احصل جواب و شرط تو بھا لگے گی کیا سر نہیں سر نہیں کیوں نہیں لگے گی سر حل ہے سر لگے گی حل ہے نا حل ہے نا یہ تو یہ حرف استفہام ہے بہت اچھا یہ تو حرف استفہام ہے جب حرف استفہام ہے تو کیوں نہیں لگے گی حل تو یہ تو اس کو لگنا تو فا لگے گی سر تو فا لگے گی بہت اچھا بہت اچھا تو آگے بڑھئے شباش ان تکن مستعجلا لست مستعجلا معنی کیا ہے مستعجلا کس کو بولتے ہیں جلد باز اگر آپ جلد بازی کریں گے تو میں جلد بازی نہیں کروں گا ان عادات شرط ہے سر تکن فعل شرط لست مستعجلا جواب الشرط اس میں آئے گا ان تکن مستعجلا فلست مستعجلا لست کی وجہ سے فعل جامد بہت اچھا فعل جامد بہت اچھا چلو اور آگے بڑھو ان ترہ صحیحا ما اراہ صحیحا if you see it is okay yeah, it's good I don't see it is okay so in hai ja adat ul sharat tara hai fi'l ul sharat aur ma arahu jawab ul sharat jawab iske sath alag lagi to ma ki wajah se fama arahu sahih hai bilkul bahut acha to aayega fama arahu sahih hai number 12 ما انسى لا انسى ذاك المنظر بہت اچھا ما انسى لا انسى ذاك المنظر یعنی میں جو نہیں بھولوں گا وہ منظر میں کبھی نہیں بھولوں گا ما انسى یعنی جو چیز میں بھولتا ہوں ہاں جو بھی چیزیں بھولوں گا مگر لا انسى ذاك المنظر مگر وہ چیز وہ منظر مجھے میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا ٹھیک ہے اس میں کہاں ہے ادات شرط سر لا انسا نہیں ادات شرط ما ہے نا ادات شرط ما انسا ہے فعل شرط انسا انسا ہاں پھر ہے لا انسا ذاک المنظر یہ ہے جواب شرط لا انسا جواب شرط ہے اب کوشچن ہے کیا اس کے ساتھ پھا لگے گی کیوں نہیں لگے گی لا یہ کیوں نہیں لگے گی فا سر لا انسا ہے نا فعل نہیں یہ فعل نہیں ہے یہ فعل نفی ہے I will not forget سو ہم فا نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ تو فعل نہیں سے لگے گا جب آپ حکم دیتے ہیں کس کو یہ کام مت کرو جب آپ کس کو روک رہے ہیں کس کام سے لیکن یہاں آپ سمپلی ایک نیگیٹو سینٹینس کہہ رہے ہیں whatsoever I forget, I will not forget that manzar, that episode, that scene. Okay? So, hum yahan kahenge simply, ma ansa, la ansa, zaka al manzara. Chali. Aage badhiye. In yas'alka ahadun anni kullahu ana indal mudiri. بہت اچھا اگر آپ کو معنی بولو پہلے
यस अलकादुरानी, अगर आपको, अगर आपसे कोई मेरे बारे में पूछे, बहुत अच्छा पूछे, तो क्या कहना, उसको कह देना कि मैं किसी पास हूँ, मैं प्रिंसिपल के पास हूँ, बहुत अच्छा मदीर के। इन आदात शरत यस यस अल का यस अल फेल शरत कुल लहू अना मदीर, अना मदीर जवाब शरत कुल, इसमें फा लगेगी सर फेल तलब की वजह, कुल फेल तलब, कुल यानी फेल अमर है, इसकी वजह से लगेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर हो गया आपको ये। चलिए आगे पढ़िए। मैं युरिद हाजल किताबु, हाजल किताबु, हाजल किताबु, किताब, हाजल किताब, हाजल किताब, हुआ इंदल मुदीर, whosoever wants this book, it is with the principal. It is with the principal. बिल्कुल। तो मैं इसमें मन अदातु शर्त, अदातु शर्त, युरिद युरिद फ़ेलु शर्त, युरिद फ़ेलु शर्त, हुआ इंदल मुदीर है जवाब शर्त। ये पहले मादी का पहला सेगा है। इज़ा सअलनी अल मुदीर, अगर मुझे मुदीर ने पूछा, अन का आपके बारे में, बाज़ा अकूल लहू, तो मैं उसे क्या कहूँ। इज़ा सअलनी अल मुदीर, अगर मुझे मुदीर ने पूछा, अन का आपके बारे में, बाज़ा अकूल लहू, तो मैं उसे क्या कहूँ। शाबाश। इसमें इज़ा है अदातु शर्त, इज़ा क्या है अदातु शर्त, और फ़ेलु शर्त कहाँ है सअला, बहुत अच्छा, और जवाबु शर्त कहाँ है सअल, ना ना जवाबु शर्त माज़ा अकूलु लहू, तो मैं उसे क्या कहूँ, माज़ा अकूलु लहू। तो यहाँ जो है माज़ा अकूलु लहू, ये कौन सा जुमला है, जुमला इस्तिफ़ाम है, है ना, इस्तिफ़ाम। तो इसके साथ मा लगेगी कि नहीं, ये फा लगेगी नहीं लगेगी, जी सर, फमाज़ा, तो हम कहेंगे फमाज़ा अकूलु लहू, तो मैं उसे क्या कह दूँ। शाबाश, बहुत अच्छा। नंबर 16, यद्रुसु बिल जामिअतिल इस्लामियति तुल्लाबुन मिन जमीइल अनहाइल आलमी फमन दर्रसा फीहा कअन्नमा जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा उस गोया की उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ठीक है। इसका माने है यद्रुसु बिल जामिअतिल इस्लामी तुल्लाबुन मिन जमीइ अनहाइल आलम, इस जामिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में यानी मदीना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं, कोई कोई हिंदुस्तान से है, कोई अमेरिका से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई जापान से, है ना। तो फमन दर्रसा फीहा, तो जो इसमें टीचिंग करेगा, जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, कअन्नमा दर्रसा फी जामिआतिन कसीरा, तो गोया कि उसने पढ़ाया बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, यानी उसको तो हिंदुस्तानी तुलबा के साथ भी इंटरेक्शन होगा, अमेरिका के स्टूडेंट्स के भी, जापान के स्टूडेंट, पाकिस्तान के स्टूडेंट, वगैरह वगैरह। तो गोया कि उसने उसने लगा कि उसने क्या किया, उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। तो बताइए इसमें इसमें अदातु शर्त कहाँ है, मन अदातु शर्त है, दर्रस फेल शर्त है, कअन्नमा दर्रस आगे तक जवाब शर्त है, तो क्या इसके साथ फा लगेगी, फा लगेगी कअन्नमा की वजह से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ो। मैं यकुल हाजल कलाम इन्नहु जाहिलुन, whosoever says these words, इन्नहु सादिकुन है, डॉक्टर साहब यहाँ तो जाहिलुन किताब पर है, बुक जाहिलुन
यहाँ सादिकुन है, मैं यकुल हाजल कलाम इन्नहु सादिकुन। चलो जो ये कलाम माने के एतबार से तो बहुत ही दूर दूर हो गए ये सेंटेंस। मन है, मन अदातु शर्त, यकुल फ़ेलु शर्त, और इन्नहु जाहिलुन है जवाबु शर्त। जवाब शर्त बहुत अच्छा, क्योंकि ये इसके साथ फा लग जाएगी, फा इन्नहु जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया है तो इसके साथ फा लगेगी। शाबाश, आगे बढ़िए। नंबर 18, मा तजरा तहसुद तहसुद तजरा जरा यजरा मीन तजरा, क्या तजरा जरा यजरा क्या गो तो कल्टीवेट बोएगा, बोना हां जो बोएगा तहसुद काटेगा। मा तजरा यानी अब इसका माने होगा, मा तजरा तासुद जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। इंग्लिश क्या है इसका, इसका इंग्लिश क्या है? What you sow you will reap, as you sow so shall you reap, you will reap. इसका इंग्लिश प्रोवर्ब है ये, as you sow so shall you reap। बहुत अच्छा, चलिए तो इसमें अदा तो शर्त कहाँ है सर? माँ फैलु शर्त है तंजरा, और जवाब शर्त है तहसुद। शाबाश, जवाब शर्त यहाँ फैलु मुजारी उन सिंपल फैले मुदारा है ना जी सर, तो इसके साथ कोई फावा नहीं लगी, नहीं लगी। नंबर नंबर 19 शवार, इन तजुरनी सौफा अजूर अजौरुका अजूरुका नहीं ये तो पेश होनी चाहिए, इंतजूर ने नहीं अजूरों का होना चाहिए, ये बुक पर गलत है, इसको इसको करेक्ट कीजिए। मेरी बुक पे अजूर हुई है। अच्छा आपकी बुक पे अजूर है, नहीं मेरी बुक पे भी है अजूर, अजरों का पेश है, ये जबर है अजूरों का। बहुत अच्छा, तो आगे बढ़िए, इंतजूर नी सौफा अजूरों का क्या बनेगा? इंतजूर नी फसौफा अजूरों का। शाबाश, क्योंकि अजूरों का जो है साउफ अजूरों का जो जवाब शर्त है इसके साथ साउफ आया है तो क्या लगेगा? फा लगेगा। शाबाश, नंबर 20, मन यस्तगफिर अल्लाह यगफिर लहु, जो हु सोवर सीक रिपेंटेंस फ्रॉम अल्लाह तो ही विल बी रिपेंटेड, ही विल बी रिपेंटेड। ठीक, तो इसमें नहीं लग जाएगा क्योंकि इसमें सिंपल ये है, सिंपल फेल मुदारा है तो इसमें अदा तो शर्त नहीं लगेगी। ठीक है, ए सॉरी, इसमें जवाब शर्त के साथ फा नहीं लगेगी। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि अब हमारे पास कुछ दो चार मिनट बचे हैं, तो ये हमने आज एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, 20 सेंटेंस है। मैं वसीम को पिछली बार भी बता रहा था कि इस किताब में आप जितने भी सेंटेंसेस पढ़ रहे हो या जितनी भी कवायद पढ़ रहे हो, जितने सेंटेंस आपको याद करेंगे ना, मैं उतनी गारंटी आपको दे दूंगा कि आप आगे की किताबें खुद समझ सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही एक है, एक शर्त, बस एक शर्त है कि आपको इस किताब के हर सेंटेंस पे नजर होनी चाहिए, इसमें ग्रामर कहाँ है, माने क्या है, और इस सेंटेंस को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस याद करेंगे, जितने सेंटेंस याद होंगे उतना आपके लिए आगे आसान हो जाएगा। हर कायदे के लिए दो दो चार चार सेंटेंस याद कीजिए और मुख्तलिफ तरीकों से याद कीजिए, सिंपल सेंटेंस फिर कम्प्लेक्स फिर और कम्प्लेक्स, ताकि इंशाल्लाह ताला आपके लिए आगे अरबिक पढ़ना आसान हो जाए। आज का लेक्चर हम यहीं पे जो है खत्म करेंगे, तो इंशाल्लाह मुस्तान कल फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।